बलवन जी, क्यों ना इस मिल का नाम साई के नाम पर रखा जाए? साई जी हम सबके गुरु है, इस गांव के लिए भगवान का अवतरण है साई। और हम सब भी सहमत है बलवन जी, हम सब गांव वालों का मानना है कि आप तो जरिया है, लेकिन शिरडी की प्रगति जो है वो साई के आशीर्वाद से ही हुई है। क्यों नहीं, अगर इन गांव वालों के लिए साई इतने इंपॉर्टेंट है तो हम इस मिल का नाम साई के नाम पर रखकर ये संदेश देना चाहते हैं कि इन गांव वालों की फीलिंग्स और इमोशंस का हम सम्मान करते हैं। इससे इनके मन में ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए और ट्रस्ट बढ़ेगा। आई एक्सेप्ट द प्रपोजल बल। जी जी सर, जैसा आप कहें। बलवान जी की जय, बलवान जी की जय, बलवान जी की जय, बलवान जी की जय, बलवान जी की जय। पहली बार फकीर किसी काम आया है। साई, हम बस्ती में क्यों आए हैं? पता चल जाएगा चंपा। प्रणाम साई। आओ। इसे यहां रख दो चंपा। सामान हम फेंकने जा रहे थे, अगर किसी को इसमें से कुछ चाहिए तो देख लीजिए। तो फटे हुए हैं। कोई बात नहीं सही, हम सिल के पहन लेंगे। देखा चंपा, जो सामान तुम्हारे लिए बेकार था वो दूसरे लोगों को कितने काम का लगा। हर चीज को बनाने के पीछे बहुत सारे संसाधन, बहुत मेहनत और बहुत पैसा लगता है। जब कोई चीज हमारे काम की नहीं रह जाती तो उसे फेंकना हमारे लिए आसान है। हम ये भूल जाते हैं कि उसे फेंककर हम उसमें लगे संसाधन, मेहनत और पैसे को व्यर्थ कर रहे हैं। जब तक वो चीजें सलामत हैं वो किसी और के काम आ सकती हैं, तो हमें उन्हें जरूरतमंदों में बांट देना चाहिए। कभी सोचा ही नहीं ऐसे, लेकिन अब से आपकी बातें बिल्कुल याद रखूंगी। ये चिमटा तो रह गया। इसे मैं रख लेता हूं, शायद किसी को इसकी जरूरत हो।
Congratulations, sir Henry. Congratulations. Thank you, sir. Thank you. Congratulations. आपके पाप का घड़ा भर गया, बस अब और नहीं कुलकर्णी सरकार, आपका पतन निकट, आज से आपकी उल्टी गिनती शुरू हुई है कुलकर्णी सरकार। उस फकीर की बात सच नहीं होने दूंगा मैं, बलवंत तेरी हार होगी, मैं अजय हूं, कुलकर्णी सरकार हूं मैं। यहाँ की पूजा संपन्न हो गई है, मैं हवन की तैयारी करता हूँ। जी पंडित जी। विवाह चंदू, तब तक आप गांव वालों को अनाज बांटो। जी। आइए सब लोग कतार में लग जाइए, आइए आइए सर प्लीज। दिखता नहीं क्या? ए, क्या ली तूने? क्या लिया? अभी तक भोग लगा नहीं, तूने मिठाई चुरा ली? किसी ने उस दिन खंडोवा मंदिर में मोदक चुराने की कोशिश की थी। ए गांव वालों, पकड़ो इसको। अरे अरे पकड़ो उसे। This is a big letdown, Balwant. I'm not happy what just happened. You should have organized in a better manner. I'm sorry, sir. Let's go. Balwant ji, बहुत बुरा हुआ, आपकी सारी मेहनत पैरों तले रौंद दी गई। हरिओम हरिओम। आज तुम भी तुझे मार डालूंगा। नहीं, आज मैं तुझे मार डालूंगा। छोड़ो, उसे छोड़ो, उसे नहीं, 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 गलती, गलती हो गई, माफ कर दीजिए, नहीं, नहीं, कोई माफी नहीं मिलेगी इसे। देखिए, उसके बाबा उसे पहले ही सजा दे रहे हैं। हमें बेवकूफ समझा है, हम जानते हैं ये नाटक है तुम सबका,
एक तो तुम लोगों को यहाँ रहने दिया और तुम हमें ही परेशान कर रहे हो। किस हक से तुमने इन्हें यहाँ रहने दिया? ये जमीन तुम सबकी हुआ करती थी, लेकिन तुमने इसे बेच दिया। अब ना तो तुम्हारा इस पर कोई हक है और ना ही अब यहाँ कौन रहेगा। इस पर तुम्हारी कोई मर्जी चलेगी। लेकिन ये लड़का चोर है साईं। एक तो मिठाई चुराते वक्त पकड़ा गया, ऊपर से बलवंत जी की तस्वीर तोड़ी और हमारे साथ धक्का मुक्की भी की इसने। जरूरी नहीं चंदू कि जो आंखें देखे वो सच भी हो। इसने तुम सबको मारने की कोशिश अपने बचाव में की जब तुम इसे मारने जा रहे थे, और वो भी बिना पूरी बात जाने। शायद उसी लेकिन साई, वहां पंडित जी ने देखा कि ये मिठाई चुराने गया था, पूजा की मिठाई। नहीं, 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 नहीं। मैंने तुम्हें भगवान के भोग की मिठाई चुराने से मना किया था। मुझे यकीन है ये काम तुमने नहीं किया होगा। लेकिन चारुहास, तुमने चोरी तो की है ना? साईं, इसने मिठाई नहीं चुराई तो क्या चुराया? बताओ चारुहास, डरो मत, सच सच बताओ। चिमटा चोरी किया, नालायक। और क्यों चुराया तूने चिमटा? बकरी जिसे आप इसका नालायकपन समझते हैं वो इसकी करुणा है। कल भाकरी बनाते वक्त इसकी हाई का हाथ चल गया था। ऐसा दोबारा ना हो इसलिए इसने ये चिमटा चुराया। एक बेटा अपनी मां का दर्द दूर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अगर तुम सब उस समय शांति से देखते तो समझ जाते कि थाल से मिठाई गायब नहीं हुई है। क्या तुम में से किसी ने देखा कि मिठाई गायब हुई या नहीं? तो गलती हो गई हम लोगों से। नहीं चंदू, गलती तुम्हारी नहीं है, इसकी है। मजबूरी में हो या जानबूझकर, लेकिन चारुहास ने चोरी की है। चारुहास, इस तरह बिना पूछे किसी की कोई चीज लेना गलत है। गलती हुई है तुमसे तो माफी भी तुम्हें ही मांगनी होगी। माफी
अब दोबारा चोरी तो नहीं करोगे ना चारुहास? शाबाश। चारुहास, पंडित जी को दे देना और याद रखना, कभी कभी आंखें भी धोखा खा जाती हैं, इसलिए बिना सबूत के भावनाओं में बहकर किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। So sorry, sir. I sincerely apologize for what happened today. You should have been careful, Mr. Akase. ऐसे किसी को भी पूजा में आने दिया? अगर ऐसा ही रहा, तो I doubt आप इतनी बड़ी मिल कैसे बनाएंगे और कैसे चलाएंगे? नहीं नहीं सर, मैं दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर हुआ, तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। सर। हेनरी सर, आपका खाना लगाया है, आप खाना तो खा के जाइए। इसकी जरूरत नहीं, हम कहीं और खाएंगे। सर कहीं और क्यों, ये सब आप लोगों के लिए ही तो बनाया गया है। आई अप्रिशिएट, लेकिन हमें इंस्पेक्शन के लिए जाना है, ऑलरेडी खाने का इंतजाम किया। लेकिन सर इतना प्यार से बनाया गया है खाना आप लोगों के लिए, कल से तैयारियां चल रही थी खाना बनाने की, इतना स्वादिष्ट बनाया कि खाकर आप दंग रह जाएंगे। हमने कहा ना हम नहीं खा सकते, हमें जाना है। हरिओम। हरिओम। कामचोर कही की किससे पूछ के आराम फरमा रही है? वो मेहमान चले गए ना, तो सोचा थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। तुझे क्या लगा मैं तुझसे काम मेहमानों की वजह से करा रही थी? इतनी भी भोली मत बन, मैं तुझसे काम तेरी औकात दिखाने के लिए करा रही थी। खुद को एक पल के लिए भी यहाँ की बहू मत समझना, क्योंकि यहाँ तेरी औकात नौकरों से भी कम है, और यहां मेरी आज्ञा के बिना तेरा आराम भी हराम है। चल कोयला तोड़। लेकिन मेरे हाथों में छाले पड़ गए, थोड़ी देर आराम कर लेती हूं फिर तोड़ दूंगी। तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे तो
तुझे क्या लगा यहाँ तेरी जख्म पर मलहम लगाया जाएगा? कोई नहीं यहाँ तेरी मदद करने वाला। लोग जख्मों पर नमक छिड़कते हैं, मैं तेरी जख्मों पे मिर्च छिड़कूंगी। रुक जाओ तेजस्वी। तुम जो कर रही हो वो पाप है और हर पाप कर्म का फल इंसान को भुगतना पड़ता है। बकवास बंद कर फकीर, मैं तेरे बातों से नहीं डरती हूं। तेरा ही काला जादू था ना? मैंने चेतावनी दी थी तेजस्वी, तुमने सुना नहीं। लेकिन सत्य स्वीकार करें या ना करें, सत्य सत्य ही रहता है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.